trying to address a gamut of issues before me. In my 20 months as a minister, I have served my country, my position, and my people without any prejudice. And those who lay siege upon my integrity in this very august house need to know the following. An idea is created in this country कि एचआरडी मंत्रालय मात्र उनके पत्रों का जवाब देती हैं जो इस सरकार के मंत्री हैं से लेकर 23/2/2016 तक सामान्य नागरिकों के 66,230 ग्रीवियंसेस मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए और इस काल अवधि में मैंने लगभग 61,892 समस्याओं का समाधान किया, जिनके समस्याओं का समाधान किया उनसे यह नहीं पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, तुमने किसको वोट दिया। उन्होंने गुहार लगाई इंसाफ के लिए और मुझमें जितनी क्षमता थी मैंने उस न्याय को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। एक माह के अंतराल में 1,00,000 से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। आई एम कमिंग टू द इशू सर, हैव पेशेंस। यू अक्यूज अस ऑफ इनटॉलरेंस, वी टॉलरेंट। सुनो, हियर माय आंसर सर, आई एम गिविंग माय आंसर। और डू आई क्लेम टू बी अ विक्टिम ऑफ माय सर्कमस्टेंसेस एंड से दैट आई एम मैरिड टू अ माइक्रो माइनॉरिटी फैमिली, आई एम अ वुमन, हेंस यू डिसअलाउ मी टू स्पीक इन दिस हाउस। डू नॉट सर प्ले योर पॉलिटिक्स विद मी। लेट मी गिव यू एन आंसर टुडे दैट आई हैव पेशेंटली वेटेड फॉर डेज टू गिव। मुझसे कहा गया किस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र प्लीज सांसद के भी please, कई आए हैं। यू ऑल्सो ऑल ऑफ यू वी हैव टेकन हनुमंत राव जी, प्लीज लिसन, यू विल हैव टू। मेरी पार्टी के सांसद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। हनुमंत राव जी मेरी पार्टी के सांसद नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में न्याय की जरूरत है। आज मैं विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहती हूं, हनुमंत राव जी के हंसिए मत, सुन लीजिए ध्यान से। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूं एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूं, रंजन जी केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। हनुमंत राव जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया करना है, उस वाइस चांसलर के कार्यकाल में दलित बच्चों की आत्महत्या हुई। आप जाइए, मैं हनुमंत राव जी ने मुझसे कहा
2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016, ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे, ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, जिन उत्तर का वो हमसे उम्मीद बांध कर बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूं, उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये प्लीज प्लीज दस्तावेज दिखाती हूं। प्लीज पहले आप सीट पे तो यू गो टू योर सीट, देन ओनली आई विल से समथिंग। हाउ कैन आई से नो? यू विल हैव टू गो टू योर सीट। नो, फर्स्ट यू, आपको आप बहाना मत बनाओ। प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट द वे। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब। नारायण स्वामी जी के पत्र में लिखा है, कम्युनिकेशन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, प्लीज मैडम स्पेसिफाई दैट सच कम्युनिकेशन शुड बी अटेंडेड टू प्रॉम्प्टली एंड एक्नॉलेज्ड Within 15 days, followed by a reply. आपको जवाब देना है Within 15 days. Please, please. Shame on you, madam. You don't have the courage to listen to what I have to say. You just want to do your politics. Hear what I have to say if you have the courage today. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।